आइए आनंद, एक बार आ जा रहा है, बार बार आ रहा है, चला जाए। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोका पार। ये बाबू बोका पार जा रहा है ना? नहीं, वाटर पार्क है। और फाइनली हम लोग रतनपुरा की तरफ निकल चुके हैं, और रेट क्या है अभी मालूम तो है नहीं हमें। पहुँच कर पूरा मैं जानकारी देता हूँ कि वाटर पार्क पे क्या रेट है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे है। जो रतनपुरा है वो बलिया वाले हाईवे पे है, और यहीं पे वाटर पार्क हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, तो मिलते हैं वहाँ पे। बताता हूँ सारी जानकारी आपको देता हूँ। ये जो रोड है ये बलिया को जाता है, और बीच में रतनपुरा पड़ता है, वहीं पर ये अरे म्यूजिक भाई, क्या फील था भाई। अरे माय गॉड, बाबू बहुत बड़ा है क्या? अरे यार ये तो गजब, क्या हुआ? बहुत बड़ा बाबू। अरे मेरे बाबू, चलो चलो चलो, मेरा बाबू चलेगा, जल्दी चलेगा बाबू, चलो चलो चलो, मेरा बाबू चलेगा, जल्दी चलो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क, सब लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है, और जो टिकट है मतलब मंडे टू सैटरडे वो 400 है, और संडे के दिन 500 है। बाकी हम लोग चल रहे हैं अंदर अब, और यहाँ पे हम लोग एंट्री करा रहे हैं फिलहाल। फाइनली अभी हम लोग लॉकर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? एक लॉकर दे दीजिए और 3 कॉस्ट्यूम दे दीजिए। पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, पहला है मेरा। ऋतिक वगैरह सभी लोग हैं यहाँ पे, बाबू भी है, और बहुत बड़ा है यार, छोटा नहीं है। बाहर से देखने में बस छोटा लगता है पर बहुत बड़ा है। फिलहाल अभी हम लोग कॉस्ट्यूम यहाँ से ले रहे हैं। पीछे चेंजिंग रूम का भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए, मतलब पुरुष के लिए। बाकी बहुत बढ़िया है यार, काफ़ी बड़ा है अंदर, वहाँ देख सकते हैं, और बहुत अच्छा बनाया है। अभी चल रहे हैं हम लोग, तो पूरा दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पे। क्या लगा, कैसे चार्ज है? पर पर्सन का कॉस्ट्यूम 50 रुपए, लॉकर 100 रुपए, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा जमा। अच्छा, मतलब कुल 200 रुपए लगेगा, 100 वापस हो जाएगा। 50 का लॉकर है, 100 वापस हो जाएगा जब कपड़ा ताला सुरक्षित। लॉकर की सिस्टम है यहाँ पे, देखिए लॉकर है आपको मिलेगा। और भैया स्टार्ट हो गया हमारा, मजा आ रहा है? ये मेरा बाजीगर, आराम आराम से सब लोग, बहुत मजा आ रहा है यार। बहुत दिनों बाद हम लोग क्लास 10th में गए थे ना, 10th में पहली बार गए थे वाटर पार्क गोरखपुर। भाई देखते हैं मजा आ रहा है। ऊपर 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 आओ, ऊपर आओ, स्लाइडर पे। अबे इससे ऊंचा नहीं है क्या? भाई फिर से जा रहे, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद में। मस्त है यार, सब लोग कह रहे थे बहुत छोटा है पर बहुत बड़ा है। आइए रतनपुरा वाले पे, वाटर पार्क पे। 10-12 साल बाद मैं किसी वाटर पार्क में आ रहा हूँ। भैया यहाँ से अब यहाँ चलते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है यार, आने लायक है, जरूर आइए, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी तगड़ा है, जरूर आइए, राय मैं दूंगा। अब चिड़ियों की मदद से ऊपर जा रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत साफ सफाई है, आप जरूर आइए यहाँ पे। इस वाले में चलते हैं, अंदर वाले में थोड़ा आराम से, बहुत तेज सरक रहा है ये वाला, खतरनाक है।
काफी मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बस गलतफहमी है लोगों की, बहुत गंदा रहता है, छोटा रहता है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत साफ है, बहुत मजा आ रहा है, फैमिली साथ आप आ सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो मिलते हैं वहाँ पर। फिसलने की नहीं, ठीक ठाक सीढ़ी भी लगा रखा है इन्होंने, ध्यान दिया है। और नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यार, बहुत देखने से सामने से बहुत छोटा लगता है क्योंकि फ्रंट थोड़ा सा छोटा है, मतलब ऐसे है, काफ़ी बड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर आराम से, और ये यहाँ से जा रहे हैं, बैलून जो है नीचे से लाना पड़ेगा, बैलून नीचे से लाना पड़ेगा, ये वाला बैठने भी बहुत टफ है, और हम लोग बैठ चुके हैं ऊपर, अब देखते हैं मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे भाई भाई बच्चों के लिए बहुत मस्त है, ये देखिए सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे। फिर से हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये बैलून लेके जाना पड़ेगा ऊपर, मैं और ऋतु जा रहे हैं पीछे, ये देखिए चलो 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 चलो। फाइनली फिर से बैलून को लेके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ए भाई इस बैलून को क्या कहते हैं, मालूम नहीं है, इसको वापस ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं और ऋतु जा रहे हैं। इस बार पहली बार कुछ समझ नहीं आया था भाई, चलो क्या। अरे भाई, अरे 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 भैया थे तो इनको बाहर निकाला जा रहा है यार, गलत है, उल्टा मत चलिए। बहुत मजा आ रहा है, ये वाला बहुत खतरनाक है, इसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। फिर ये देखिए जो दो लोग आ रहे हैं इसमें स्लाइड से, भाई एकदम गोरखपुर वाला हिस्सा है। अरे यार ये तो छूट गया इनसे, देखिए ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक दो, इतना मजा आ रहा है कि तीसरी बार हम लोग जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तीसरी बार जा रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, मजा आ रहा है। पूरे 10 साल हो गए ना, 10 साल बाद जा रहे हैं ना, हमारा पास ऊपर ही हो रहा है, 2015 में गए थे हम लोग वाटर पार्क गोरखपुर जो बंद हो गया है, उससे भी बढ़िया है यार, मजा आ रहा है, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, बस सीढ़ी थोड़ी छोटी सी है, लो पड़े बार बार आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और काफी आनंद में है। यहाँ पे कैंटीन वाली भी सुविधा है तो ये लोग ले रहे हैं, बाकी मैं चल रहा हूँ सामने वे वाले में, बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे। और तिवारी भाई हमारे आ रहे हैं, देखो देखो कुछ खा ले, सब खा के आए सब, देखा क्या है, अभी इस वाले में आते हैं, ये चालू होने वाला है, वेव वाला है, और पानी धीरे धीरे वेव से बढ़ के इधर आ रहा है, काफी मस्त है यहाँ पे, लोग देखने के लिए यहाँ पे हैं, कोई डूब नहीं रहे तो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, भयंकर जो तैरने वाला व्यक्ति ही वहाँ जाए, बाकी ज्यादा कष्ट ना करे, नहीं तो डूब जाएंगे पक्का। लड़का लग रहा डूब रहा है, देखिए डूब रहा था वहां पे, लड़का ही डूब रहा है, माहौल तगड़ा है यहाँ पे, इधर ही होगा, मुझे तैरना का ढंग नहीं आता तो मैं इधर ही होगा, उधर पानी ज्यादा है, पानी कितना है यहाँ पे, आगे चलते हैं वहां पानी ज्यादा, इसी पानी के यहाँ तक है, और आगे बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे, उधर चलते हैं, बाकी यहाँ लोग लगे हुए हैं। अबे तो तुम तो डूबोगे ही नहीं, अच्छा घुसो तिवारी, देखो तिवारी के पैर यहाँ से पानी है, आगे घुस रहा तिवारी, देखते कितना पानी है,
आराम से चोरी, आराम से, आराम से आगे बढ़ बढ़ा, बहुत पानी फेंक रहे ढूंढने वाले हैं। मैं भाई जान इसलिए लेता नहीं हूँ पानी उन्हीं में, जिंदगी से मजाक नहीं चला। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पहुँच गए। ये देखिए यार, चेस्ट कहाँ का पानी है मेरा, फिर आप देख रहे हैं भैया कितना पानी है वो देखिए। फिर से भैया पानी कितना, भाई मैं तो डूब गया, वो देखिए अरे यार पानी कितना अंदर। दो घंटे के बाद हम लोग फाइनली घर के जा रहे हैं, और बीच में 2 बजे से 2:30 बजे तक का लंच हो रहा है यहाँ पे, जिसमें सभी वर्कर अपना लंच करेंगे, तो इसलिए सारे जो भी हैं यहाँ पे सब रोक दिया गया है। काफ़ी मस्त था, मज़ा आया, और मैं ये कहूँगा कि आप आ सकते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है और पैसा वसूल है। लगा बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी को सजेशन देना होगा तो क्या है, आइए समझिए, फैंटेसी आइए घूमिए एंजॉय करिए। और आधे घंटे बाद चालू हो चुका है, और हम लोग अब यहाँ से अलविदा कहते हैं। बहुत मजा आया, आप जरूर आइए अपने फैमिली के साथ, बहुत मजा आया। बाकी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा यार टहल उन सब कुछ यहाँ पे, मतलब सुविधा बहुत अच्छी है। आप जरूर यहाँ पे आइए, पार्किंग के लिए बहुत जगह है बाइक को अंदर खड़ा करने के लिए, और बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा भी है। आगे से क्या कि ना फ्रंट इतना ही लगता है, तो इसलिए छोटा समझते हैं लोग, पर काफ़ी यहाँ से लेके ये देखिए फ्रंट यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये पूरा है। तो जरूर आइए आप लोग अपने फैमिली के साथ, बहुत बढ़िया है। यहाँ से जाने का समय आ चुका है, तो हम लोग चल रहे। कैसा लगा तुम लोगों को, कैसा लगा, फिर आना है बाबू, कैसा लगा तुम्हें बताओ, कैसा लगा, मजा आया, वापस आएंगे ना। और साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, सब कुछ सही है, बेस्ट है, तो आप जरूर आइए। तो समय क्या अंकल आएगा, 11 से 5 सुबह 11 से 5 है, और मंडे से लेके सैटरडे तक 400 रुपया चार्ज है, और संडे के दिन 500 है ना, बाकी चल।